किस तरह से अपने समय को जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बिल्कुल पश्चात ही जो मैंने जाना कि जो है मैं खुद जो है एक सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ और मैं खुद पढ़ सकता हूँ। और सो हाय स्टूडेंट, वेलकम है आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं दिव्य ज्योति। स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमारा हुआ था 12th और 13th ऑफ सितंबर को, सो जो हमारे पास आज विनर हैं, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, वो है विवेक कुमार जी। और आज हम उनसे थोड़ा जानेंगे कि कैसे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, क्या वो करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम आएगा, नेचुरल सी बात है, आप हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम उसी से ही उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आज हमारे पास सारे सब्जेक्ट जितने भी एग्जाम में आते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, राइट। सो विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और बहुत सारे लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको देख भी रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के टेस्ट और भी होते रहने चाहिए? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इस तरह के जो है टेस्ट जो है लगातार जो होते रहें, ताकि मतलब हमारे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है बार बार जो है इवेल्युएट खुद को जो है कर सकें, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं किंतु जो है उनको जो है वो खुद को जो है इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे टेस्ट जो है आपको मतलब जैसे एक फीडबैक प्रदान करते हैं कि आप किस तरह की जो है आपको कितनी तैयारी जो है आप मतलब कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, तो वो जो है आपको मतलब बेहतर तरीके से जो है एक फीडबैक मिलता है ऐसे। ओके। सो आप क्या सोचते हैं, जैसे बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जब तक हम अपना एवेल्यूएशन नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा या कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसमें ज्यादा जरूरत है। अकेडमी आना एक पॉइंट रहता है, बिकॉज अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अकेडमी जाना पड़ेगा, टीचर से सोल्यूशन लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अकेडमी जाओ, आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, वहां से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बट ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, मेरा ऐसा मानना है, जब तक आप अपने आप को सेल्फ स्टडी के बाद आप अपने आप को एवेल्युएट नहीं करते हैं, जैसा विवेक जी ने कहा, तो हम कैसे पता करेंगे कि आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसको हम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए एग्जाम होना, जैसे उन्होंने कहा, एग्जाम होना जरूरी है। स्कॉलरशिप टेस्ट हो या आप अपने मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आप में से कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहता है, सेल्फ मॉक टेस्ट देना चाहता है, तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट की ऐप भी है और वेबसाइट भी है, जहां पर हमारे, चाहे वो बीएड से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लरिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस रिलेटेड हो, बहुत सारे और जो है उसमें मॉक टेस्ट हमने डाले हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। आप वहां पे जाकर के फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो कुछ हमारे पास पेड भी हैं, जिनमें आपको ज्यादा मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सो विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, पर मैं आपके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। चलो आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो क्या लगता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, काफी टाइम से आप पढ़ रहे होंगे, है ना, सो पहले तो आप मुझे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताइए अपनी। सर मैंने जो है पहले जो है अपनी ग्रेजुएशन जो है नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड से की है, पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर था, और ओके उसके पश्चात जो है मैं सीधे यहाँ पर से जो है बीएड करने के लिए जो धर्मशाला गया, 2 साल वहाँ ओके पर की, और अभी जो है प्रीवियस ईयर में जो है मैंने मेरी बीएड जो है कम्प्लीट हुई, और इसके ओके पश्चात जो है मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ओके आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने सपोज, कईयों का ना घर से ही ऐसा बैकग्राउंड होता है कि घर से ही माहौल होता है पढ़ने का, आपने देखा होगा, है ना, बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, राइट। हमारे टाइम में कोई कोचिंग सेंटर्स नहीं होते थे, ट्यूशन अकेडमीज नहीं होते थे। तो क्या आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड पहले से ही रहा है सेल्फ स्टडी करने का, या फिर वैसा नहीं है, आपने खुद अपने आप को मतलब इस तरह से तैयार किया क्या? सर घर से जो है काफ़ी जो है मेरे पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है सपोर्ट किया। सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा, और उसके पश्चात जो है मैंने देखा भी जिस तरह से मैं मतलब पहले जो है ग्रेजुएशन जो मेरी इसी तरह से यहाँ से हुई, यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा जो है पता नहीं चला कि सेल्फ स्टडी के बारे में कि किस तरह से होती है। जब मैं बीएड करने गया तो वहाँ पर जो है बहुत सारे मेरे कलीग्स मिले, वहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट पीयर ग्रुप जो मेरे थे वहाँ पर जो मैंने देखा कि किस तरह से वो जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और किस तरह से अपने समय को जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बिल्कुल पश्चात ही जो मैंने जाना कि जो है मैं खुद जो है एक सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ और मैं खुद पढ़ सकता हूँ और अपने आप को जो इम्प्रूव कर सकता कर हूँ। सकता हूँ। यस तो इट मीन्स जब आप धर्मशाला गए, तो वहां पर जाकर के आपने देखा जो आपके बैचमेट्स थे, यस जब वो सर तैयारी कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपने टाइम को, मे भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग लाइब्रेरी भी जाते होंगे, यस है सर ना। तो
वहां पर से हो सकता है अगर ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, तो वो सारी चीजें डेवलप होना शुरू हुई। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि एग्जाम्स, जैसे अभी तो नहीं है बट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी आपको और कितना ज्यादा जरूरत है तैयारी करने की? मेरा यही मानना है कि जो मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, किंतु मुझे मैं खुद को इवेल्युएट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, पुलिस के मेरे 3-4 एग्ज़ाम जो है, और बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मतलब होता नहीं, हो नहीं पाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी स्टडी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, किंतु मैं स्वयं को जो जो है मैं खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाता हूँ ठीक ढंग से। जैसे जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ किंतु वहाँ पर जो आउटपुट ठीक ढंग से नहीं निकल रहा है। जैसे जो एग्ज़ाम मैंने भरे भरे थे, जैसे पुलिस एग्ज़ाम जो है पिछला, वहाँ पर मैंने जो है खुद को जो है साबित नहीं कर पाया हूँ। और उस तरह से जो है मेरा मानना है कि मैं अच्छे से अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाया हूँ। मतलब सो दैट्स व्हाई आपको लगता है कि अभी अगर बार बार टेस्ट होंगे, ऐसे कोई करता रहता अगर लोकल लेवल पे भी, है ना, यस सर, तो हम अपने आप को ज्यादा एवेल्यूएट कर पाएंगे। इवेल्युएट कर पाएंगे और अपनी जो स्टडी को है इम्प्रूव कर इम्प्रूव पाएंगे। कर पाएंगे। यस सर, ओके, सो विवेक जी, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आप हमारे फर्स्ट विनर हैं, और विवेक जी जैसे फर्स्ट विनर मैंने प्रॉमिस किया था सभी लोगों को कि जो भी जिस पोजीशन में आएगा उसको मैं उस तरह से ही ट्रीट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म और चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, राइट। और विवेक जी, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ आपके लिए, यस सर, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मॉक टेस्ट, जैसे आप बोलते हैं मुझे एवेलुएट करना है अपने आप को, मैं आपको अपने वेबसाइट के, अपने ऐप्स का एक मैं लिंक दूंगा जिसमें अगले 1 महीने के लिए आपके पास एक्सेस रहे, जो आपके पास मिल रहा है इस जो मैं दे रहा हूँ आपको 50% लाइब्रेरी में डिस्काउंट, यस इसके सर, अलावा अगले 1 महीने का मैं आपको एक्सेस दूंगा जिसमें यस सर, मॉक टेस्ट रहेंगे, यस सर, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो उस एग्जाम के वो फ्री रहेंगे आपके लिए, राइट। उसमें आपके बीएड वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, वो मॉक टेस्ट में आपको फ्री दूंगा, यस राइट। सर, सो गाइस, इसी तरह से जैसे विवेक जी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इनके इट मीन्स इन्होंने जो भी टेस्ट में आया था, 4-5 जो हमारे पास सब्जेक्ट थे सब में अच्छी पोजीशन उन्होंने ली है, सो अच्छे इनके जो है उनमें लेवल रहा है, इट मीन्स तभी ये फर्स्ट आए हैं। तो अगर आप कोई भी टेस्ट में क्रैक करना चाहते हो तो पहली चीज आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा जीके ज्यादा स्ट्रांग है तो उस बेस पे मैं क्रैक कर पाऊंगा, जैसे मैंने सबसे पहले शुरू किया था। और अगर आपके हर सब्जेक्ट सही होना, स्ट्रांग होना जरूरी है, क्यों विवेक जी? यस सर, हाँ, तो इसका मतलब रहता है आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होगा वो आपका हर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग आए हैं और तो एक चीज और सुन लीजिएगा, और आप शायद हमारे स्टूडेंट भी रहे हो तो हर दिन हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, जो परफेक्ट इंस्टीट्यूट एक पहला यूट्यूब चैनल है हिमाचल का, जो इतनी सारी क्लासेस अलग अलग टीचर पूरी पूरी क्लासेस दे रहे हैं, राइट। और एक क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, और कुछ और क्लासेस भी नेक्स्ट मंथ से ऐड होने वाली हैं, इट मीन्स आप यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच विवेक आने के लिए, है ना, यस अपने सर, व्यूज रखने के लिए, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे हैं क्योंकि उनको भी चाहिए था तरीका कि किस तरह से वो आगे तैयारी करें, तो उनके लिए थैंक यू सो मच अगेन, है हाँ जी ना। सर, आप